हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही जल्दी होने वाले फेशियल के बारे में, जो कि सिर्फ 10 मिनट में हो जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हो जाता है। बहुत ज़्यादा सामान की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही हेल्दी ग्लो ये आपके फेस को देगा। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं और आपको टाइम नहीं मिला है फेशियल वगैरह कराने का और आपको बहुत जल्दी किसी पार्टी या किसी फंक्शन वगैरह में जाना है, तो आप ये फेशियल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से ये आप घर पर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें ये अपना फेशियल। इस फेशियल को करने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी। एक चाहिए संतरा, एक चम्मच बादाम का पाउडर और ये एक चम्मच बेसन। सबसे पहले हमें जो है ये संतरे को बीच में से इस तरीके से काट लेना है और इसके जो ये बीज हैं वो हमें निकाल देने हैं। देखिए मैं इनको निकाल रही हूँ अभी। और अब हमें जो है इसको और अब हमें इसको डिप करना है पहले इस बेसन के अंदर। पहले हमें इसको इस बेसन के अंदर अच्छे से डिप करना है इस तरीके से, और फिर हमें इसको डिप करना है इस बादाम के पाउडर के अंदर। इससे जो है हमारी क्लेंजिंग और स्क्रबिंग दोनों का काम एक साथ हो जाएगा और हमारा जो है टाइम बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फेशियल। तो इसको इस तरीके से फिर हमें अपने जो चेहरे पे ना अच्छे से इसकी मसाज करनी है। और जैसे ही आपको लगे कि इसमें ये बेसन और बादाम का पाउडर खत्म हो रहा है तो आप इसको दोबारा उसमें डिप कर लीजिए और अच्छे से चेहरे पर इससे मसाज कीजिए। 5 से 7 मिनट के लिए इससे मसाज कीजिए। ये देखिए मैं फिर दोबारा इसको इस बादाम में और बेसन में डिप कर रही हूँ। आप इसको अपने होठों पे और अपने ये नोज के अराउंड पूरे फेस पर अच्छी तरह से कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा इसको संतरे को जो है निचोड़ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबाते रहिए ताकि इसका जूस बाहर आए और अच्छे से हमारे फेस पर मसाज हो जाए। बेसन को और इस बादाम के पाउडर को और इस ऑरेंज जूस को अच्छे से अपने फेस पर लगाकर 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। आप चाहे तो और भी लेकर लगा सकते हैं, अगर ख़त्म हो गया है तो फेस पर में इस तरीके से फेस पैक का भी काम ये हमारा कर देगा। इस तरह से अब हम इसे 5 मिनट के लिए अपने फेस पर ऐसे ही छोड़ देंगे और जब ये थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद हम इसे चेहरे पर से हटा देंगे। तो 5 मिनट के बाद देखिए ये हमारा जो फेस पैक है कहीं थोड़ा थोड़ा सूख गया है, तो इसको अब हमें डायरेक्ट पानी से नहीं धोना, इस तरह से हाथों से हमें इसको रब करके ऐसे उतारना है हमें पहले, ताकि जो भी धूल डस्ट या गंदगी जो हमारे इस फेस पैक ने हमारी स्किन के अंदर से ली है वो इसी के साथ लगकर निकल आए और साथ में एक बार दोबारा हमारा जो है स्क्रब चेहरे पर स्क्रब की तरह ये काम करेगा और जो भी हमारी बची हुई जो भी कोई डेड स्किन है वो सब निकल जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको रब करते हुए चेहरे पर से हटा लेना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सूख गया है तो आप अपने हाथों पर थोड़ा सा पानी लेकर हाथों को पानी में थोड़ा सा गीला करके उसकी सहायता से भी इसको हटा सकते हैं। और इस तरह हटाने के बाद अब हमें अपने फेस को जो है ठंडे पानी से धो लेना है।
और अब मैंने देखिए अपने फेस को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आप खुद देख सकते हैं मेरे फेस पर कितना अच्छा ग्लो आया है फेशियल को करने के बाद। अब फेस को धोने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपने फेस पर लगाना है टोनर। तो टोनर आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है वो लगा लीजिए। अगर ज़्यादा आपके पास प्रॉपर टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लगाऊंगी टोनर। और अब हम इसको टोनर को सूखने देंगे अच्छी तरह से, तरीके से डैप डैप करके इसको अपने स्किन के अंदर अब्जॉर्ब कर दीजिए। और जब हमारा ये टोनर हमारी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, सूख जाए, तो उसके बाद आप अपना कोई भी पसंद का मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं जो यहाँ लगाऊंगी पतंजलि का एलोवेरा जेल, बहुत अच्छा वर्क करता है मॉइस्चराइजर का गर्मियों के लिए। ये देखिए इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये फेशियल और आज का हमारा ये वीडियो। और हाँ, अगर आप इस फेशियल को वीक में दो बार, दो से तीन बार करेंगे, रेगुलर बेसिस पर आप इस फेशियल को करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देगा। आपके चेहरे पे जो भी झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उनको दूर करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो आप ज़रूर एक बार घर में इसको ट्राई कीजिए। और आज का वीडियो मेरा यहीं ख़त्म होता है, तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो इसकी घंटी बनी हुई है उसको ज़रूर बजाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।